संबित पात्रा की फिसली जुबान तो भड़के आप सांसद संजय सिंह बीजेपी ने। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे खत्म होने को है, नेताओं के बयानबाजी तेज होती जा रही है। दिल्ली में मतदान से पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जमकर हमलावर है। इस बीच आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता संबित पात्रा के एक बयान को लेकर आड़े हाथों लिया है। दरअसल ओडिशा में प्रचार के दौरान संबित पात्रा की पत्रकार को दिए इंटरव्यू के दौरान जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। पटना पहुंचे पीएम मोदी का सीएम नीतीश ने किया स्वागत, दिवंगत सुशील मोदी के परिजनों से की मुलाकात। बिहार में पांचवें चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस बीच पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे हुए हैं। सोमवार की शाम पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो दिवंगत बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के आवास पहुंचे। वहां उन्होंने सुशील कुमार मोदी के फोटो पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने उनके परिवार वालों से मुलाकात की। सरकार बदलने के बाद बुलडोजर का ड्राइवर भी बदल जाएगा, बस्ती में बोले अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बस्ती लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी के समर्थन में आयोजित जनसभा में जनता से वोट करने की अपील की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने भाषण में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में नहीं हुई सुनवाई पूरी, जाने दोनों पक्षों ने क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो सकी। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डेढ़ दर्जन याचिकाओं की पोषणीयता पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आज यानी 21 मई को दोपहर 2 बजे से आगे की सुनवाई होगी। सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी। नहीं मिला किसको नहीं मिला, भरी सभा में शख्स के लाभ न मिलने के दावे पर नीतीश कुमार सरप्राइज। लोकसभा चुनाव के दौरान बेतिया में सोमवार यानी 20 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने वाल्मीकि नगर से एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान नीतीश कुमार अपने उसी पुराने अंदाज में बोल रहे थे, हम लोगों ने क्या नहीं किया, पहले कुछ था जी, हर घर में बिजली पहुंचा दी, नल का जल पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया। इधर मंच से सीएम नीतीश बोले जा रहे थे, इसी बीच किसी ने कह दिया कि नहीं पहुंचा है। इस पर नीतीश ने फौरन जवाब दिया, नहीं है, कहां नहीं है, पता करो, इसको जल्दी पूरा किया जाएगा। सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले एलजी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वो कौंडली विधानसभा में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। आपके उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान, अगर आप चाहते हैं कि अब आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोमवार यानी 20 मई को एक साथ पहली बार किसी चुनावी कार्यक्रम को संबोधित किया। ईस्ट दिल्ली से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सीएम फिर से जेल ना जाए तो 25 मई को वोट जरूर करें। मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत, जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। इससे पहले 14 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस स्वर्ण कांता 21 मई की शाम 5 बजे अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 मई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने सीबीआई और ईडी दोनों से ही मामलों में कोर्ट से जमानत मांगी है। हिंदू साम्राज्य की स्थापना, दो राज्यों की वोटिंग फीसदी का जिक्र कर ये क्या दावा कर गयी कैलाश विजयवर्गीय। देश में पांचवें चरण के तहत 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान जारी है। इसमें 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम 38.77% वोट पड़े हैं। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र में कम वोटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। शिमला और मंडी में बीजेपी की बड़ी रैलियों के लिए तैयारी तेज, कब है पीएम मोदी का हिमाचल दौरा।
देश में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए अब वह वक्त आ गया है जब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव के नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारकों का आना भी शुरू हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। यहां उनकी 2 सभाएं प्रस्तावित हैं।